पढ़ाई वढ़ाई का थोड़ा होने के बाद चेस प्रैक्टिस करते हैं ताकि कंसंट्रेशन बना रहे, है कि नहीं? चलो एक्सप्लेन करो, पहले कौन एक्सप्लेन करेगा क्या है? घोड़ा से स्टार्ट करते हैं, बताओ घोड़ा कैसे चलता है? घोड़ा कूद कूद के चलता है, कूद कूद के चलता है। और इसमें बोर्ड में क्या? बोर्ड में, चेस बोर्ड में एल चलता है, जैसे कि यहाँ पे। और यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है? यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। हाँ ठीक है, अब वापस पीछे जाएगा तो कैसे जाएगा? वापस पीछे जाएंगे, यहाँ पे आ सकते हैं, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे। इसका कितना पॉइंट होता है? इसका पॉइंट होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिशप पे। चल लाइट भी चलेगा, बिशप बताओ। बिशप, हाँ बिशप, इसको हमको बिशप के नाम, बिशप नहीं ऊंट बोलते हैं, ऊंट का। हाँ घोड़ा तो हो गया, ऊंट के नाम पे जाते हैं, ये चलता है। हाँ जैसे कि, जैसे कि कूद कूद कर नहीं चलता है। हाँ यहाँ पे एक घोटी है। हाँ तो यहाँ से यहाँ पे है, जैसे हाँ यहाँ से यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ, उसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तक रहेगा। हाँ क्योंकि अपने प्यादे को नहीं काट सकता ना। हाँ 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 ठीक है, और इसका पॉइंट कितना होता है? इसका पॉइंट होता है 3। इसका भी 3 होता है। हाँ ठीक है, अब क्या बच रहा है? हाथी। हाँ हाथी कौन बताएगा? हाथी बताएगा आदिल। आदिल क्यों? आदिल से हाथी क्यों बनवा रहे हैं हम लोग? आदिल आदिल हाथी की तरह मोटा है। चलो बताओ कैसे कैसे चलता है ये हाथी? सीधा चलता है। हाँ और मतलब ऐसे। हाँ और फिर सीधा चलता है, कैसे भी सीधा चलेगा ये। हाँ और बहुत लंबा लंबा चलेगा। हाँ ठीक है, और कितना पॉइंट का होता है? 5। 5 नाइस। अब क्या बचा? रानी। रानी बताओ, रानी, रानी किसका चाल नहीं चलती है? घोड़ा की। बाकी बाकी सब जगह चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी फिर? ऐसे भी आ सकती है। हाँ इधर इधर खाली जगह पे ऐसे भी आ सकती है यहाँ पे। हाँ डायगनल भी आ सकती है और सीधा भी आ सकती है। हाँ सीधा भी आ सकती है। इसका पॉइंट कितना होता है? 9 पॉइंट्स, करेक्ट। अब क्या बच रहा है? राजा। राजा का कितना पॉइंट होता है? राजा का इन्फिनिटी पॉइंट। क्यों? ये पूरा गेम का मकसद क्या है? हाँ, राजा को चेकअप करना। चेकअप नहीं करना, राजा बीमार थोड़ी ना है कि चेकअप होगा। चेकमेट करना। क्या करना? चेकमेट। ठीक है, कभी भी एक कदम चल सकता है, कहीं पे भी एक कदम चल सकता है। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पर चल सकता है, यहाँ 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 कहीं भी चल सकता है एक कदम पे। ठीक है, अब बचा प्यादा। प्यादा का कितना पॉइंट होता है? प्यादा का पॉइंट 1 पॉइंट। बात पे आधा स्पेशल है, क्यों? वो सिर्फ आगे चल सकता है, आगे चलता है और क्रॉस में मारता है। प्यादा ही एक ऐसा पीस है जो पीछे नहीं चल सकता। हाँ। और ये यहाँ पर अंतिम छोर तक चला गया। हाँ तो उसके बाद से ये कुछ किसी का भी चाल चल सकता है। हाँ तो उसको बोलते हैं पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन। तो ये किसी भी, कोई भी प्यादा अपना बन सकता है सिवाय राजा छोड़ के। ठीक है, अब ये बेसिक्स रूल हो गया। अब तो एक गेम खेल लेते, किसके बीच में? आदिल वर्सेस, आदिल वर्सेस सादिक के बीच में। गोलुआ चलो स्टार्ट, आइए फटाफट खेलते हैं। बड़ो पहला वाइट चलेगा, पहला वाइट चलता है। अच्छा चलो जल्दी जल्दी चलो। कौन सा ओपनिंग खेल रहे हैं लोग अभी? तो इन लोगों को बाद में मिडिल गेम, ओपनिंग, फिर एंड गेम बताना है, फिर स्ट्रैटर्जी कैसे चलता है। जा खा गया ये, अब क्या होगा? अभी एसएस को खा सकता है ना। जा ये सही। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे। अरे चलेगा सीधा, खाएगा क्रॉस, सीधा चलेगा। जा फ्री में दे दिए, खा लो इसको। चलो कुछ नहीं, वैसे नहीं चलेगा। अभी तो अभी कैसे सिखाया था, क्रॉस में चलता है तो यहाँ पे आएगा। किसको मार सकते हैं? वो नहीं मरेगा, मगर वो इसको मार सकता है, है ना? हम लोग का अभी अभी चांस किसका? जा गलत बता दिया। अभी भी मार सकता है, उसी जगह पे है ना, सेम डायगनल पे, रास्ता तो वही है ना। अगर यहाँ पे मारता तो इससे मार सकता था। अभी ये बच गया, कितना भी कदम चलेगा।
अभी हाथी से यहाँ पे चलो, इसको 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 मारने का अटैक बताओ, ये इसको मार सकता है ना फिर अब, तो अब इसको बचाना होगा, तो कहाँ बचाएंगे इसको? तो आप इधर चले तो हम नहीं इसको मार सकते। कैसे मारेगा उसका चाल क्या है? हम डेगने चलेंगे। इसको बचाओ, यहाँ पे कर लो पीछे। ठीक है, तो रानी गेम, रानी को निकालो गेम में, कहाँ कहाँ रखना है कि नहीं। रानी को कैसे भी मार सकते हैं, कैसे भी चल सकती है रानी। तो ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गया। अभी हमको क्या सीखना है, ओपनिंग होता है एक चीज़, तीन होता है चेस गेम में, तीन चीज़ होते हैं, एक होता है ओपनिंग, दूसरा होता है मिडिल गेम और तीसरा होता है एंड गेम। पहले ओपनिंग सीखना पड़ता है कि ओपनिंग क्या होता है, एक स्ट्रैटर्जी टैक्टिक्स बनाते हैं कि हाँ भाई ये चलेगा तो नेक्स्ट चाल क्या चलेगा, उसका स्ट्रैटर्जी बनेगा, सामने वाला क्या खेलना चाहता है वो दिखना चाहिए हम लोगों को। फिर पोजीशंस याद करने पड़ेंगे, फिर पजल सॉल्व करते हैं, मेट इन वन, मेट इन टू, मेट इन थ्री करके एक चीज़ आता है, फिर रुक मेट आता है, टू रुक मेट आता है, फिर क्वीन मेट आता है, अलग अलग बहुत स्ट्रैटर्जी होगा। ठीक है, बेसिक करेंगे बाद में। चलो टाटा, बाय बाय।